हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप दूसरा डिज़ाइन देख रहे हैं, जो मैंने पिछला जो डिज़ाइन बनाया था उससे अलग ही है। और अभी बहुत सारा काम है मेरे पास, इसीलिए मैं अभी वीडियो बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ। और हर वीडियो को मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मुझे बना के देना होता है। तो मुझे ज़्यादा चिंता बना के देने में रहता है, क्योंकि मुझे एक डेडलाइन मिलता है, तो उसी के टाइम के अनुसार मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ हर चीज़। और वैसे भी अभी बहुत सारा कॉपी चल रहा है, मतलब अभी बहुत सारे कॉपी आर्टिस्ट लोग अभी यूट्यूब पे आ गए हैं, जो डिज़ाइन आप बना उसको दूसरा दिन तुरंत छाप के डाल देते हैं, एकदम सेम टू सेम, और मेंशन भी नहीं करते हैं कि वो किसका डिज़ाइन है। चलिए, अगर मैं आज ये डिज़ाइन बना रहा हूँ तो कल देखिएगा, कुछ दिन बाद ये डिज़ाइन यूट्यूब पे और आप लोग को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि लोग तुरंत कॉपी कर देते हैं। इसलिए मैं बहुत खास कर डिज़ाइन को यहाँ यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ, हर डिज़ाइन को मैं नहीं डालता हूँ। फ़िलहाल मुझे कार्विंग करके ये डिज़ाइन बनाना था, तो कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए। और मुझे वाइट कलर काफ़ी नेचुरल लगता है, और वो क्लाइंट और कस्टमर लोग जो बोलते हैं कि इसको कलर कर दो, तो मुझे करना पड़ता है, वरना ये वाइट मुझे काफ़ी नेचुरल और बहुत अच्छा लगता है। इसमें केवल नाम चिपका के और भी खूबसूरत लगेगा, पर फिलहाल मैं इसको कलर करना है, तो आप देखिए कि मैं इसको कैसे कलर करता हूँ। और मैं इसको येलो कलर से स्टार्ट करूँगा, डार्क येलो और लाइट येलो में यूज कर रहा हूँ इसमें, तो शायद आप लोग को इसमें दिखेगा नहीं, दोनों का अंतर नहीं दिखेगा, येलो और लाइट येलो का। ये आप खुला आँख से बिना कैमरे का देखिएगा तो अच्छा दिखेगा वो। फिलहाल मुझे जो कार्विंग करके मैंने डिज़ाइन किया है, मुझे इसको दिखाना है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं पोतूंगा। बहुत सारे लोग का डिज़ाइन मैंने देखा है कि कार्विंग करते हैं, बहुत ही मेहनत से करते हैं, एक दो घंटा लगा के, तीन घंटा लगा के, और उसको ऐसा कलर कर देते हैं कि उसका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। जितना कार्विंग करने टाइम वाइट में बहुत सुंदर लग रहा था, कलर करने के बाद एकदम बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस तरह का आप कलर करें कि आप अपना जो मेहनत है उसको बेकार जाने ना दें। कलर ऐसा करें कि हर जितना भी उसका उभार है वो नज़र आए, और वो जो टेक्सचर आप दिए हैं वो सारा चीज़ एक एक करके, मतलब दूर से ही दिख जाए। कि ऐसा कलर ना करें कि पूरा आपका पूरा कार्विंग ही बर्बाद हो जाए। तो फिलहाल मैं इसको बहुत लाइट कलर कर रहा हूँ, एकदम लाइट कलर। और इसमें फॉन्ट में जो चिपकाऊंगा वो थोड़ा डार्क होगा, क्योंकि वो अगर आप येलो येलो कर दीजिएगा तो वो मर्ज हो जाएगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा डार्क कलर से उसका नाम को चिपकाऊंगा इसमें। और मैंने येलो कलर भी इसलिए भी किया है कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि, या क्लाइंट लोग का कहना होता है कि शादी में येलो बहुत ज़्यादा क्या उसको शुभ माना जाता है, इसलिए मैं उसको वो येलो कलर ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि ब्लैक भी मैं कर सकता हूँ, कोई कोई जगह ब्लैक, बहुत सारे लोग तो ब्लैक लाइनिंग भी करने नहीं देते हैं कि नहीं ये ब्लैक इसमें टच मत कीजिए और अशुभ हो जाता है, ये लोगों की सोच है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर अगर किसी का करना होता है तो करता हूँ, पूछ के ब्लैक टच करता हूँ, पर बहुत सारे डिज़ाइन पर ब्लैक टच नहीं करता हूँ। तो इस तरह से मेरा वेडिंग नेम प्लेट तैयार है, तो आप लोग देखिए कैसा लगा, और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।